प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनजाति दिवस के मौके पर झारखंड में एक पहलकदमी हेठ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। यह प्रोग्राम विशेष तौर पर पिछड़े हुए जनजाति भाईचारे लिए शुरू किया गया है। यह 18 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में 75 भाईचारे में कुल 22,544 पिंडों में रहती आबादी की नुमाइंदगी करता है, जिन्हों की कुल आबादी 28 लाख है। जनजातियां दूर दराडे और जंगली इलाकों में रहिंदिया ने। इन्हां दे समुचे विकास लई 24,000 करोड़ रुपए की यह योजना लिखी गई है। इस प्रोजैक्ट हेठ आयुष्मान भारत योजना, अनीमिया निवारण मिशन, टीबी के खात्मे का अभियान, टीकाकरण अभियान, दूरसंचार संपर्क, सुरक्षित आवास और स्थाई रोजी रोटी वर्गिया बुनियादी सहूलत प्रदान कीतियां जाणगियां। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रमुख सरकारी योजनावां दे प्रसार लई विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की। यह यात्रा लोगों के कोल जाण, जागरूकता पैदा करन अते स्वस्थता सहूलत, लोड़ीदियां वित्तीय सेवावां, बिजली सेवावां अते LPG सिलंडर तक पहुँच, गरीबों लई मकान, खुराक सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वास सेहत सेवा, साफ पीण वाले पानी वर्गियां कल्याणकारी योजनावां लाभ प्रदान करन ते केंद्रित है। संभावित लाभपात्रियों की नामजदगी इस यात्रा दौरान मिले वेरव्या राही कीता जाएगा। हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गाए, बयानबाजी बहुत होती रही। सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री ने झारखंड के खूंटी में IEC सूचना सिक्ख्या ते संचार वैन हरी झंडी विखा के रवाना किया। यह यात्रा महत्वपूर्ण जनजाति आबादी वाले इलाकों तो शुरू होगी और अगले साल जनवरी तक देश के सारे इलाकों को कवर करेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और जब मोदी की गारंटी होती है ना, तो आप जानते हो गारंटी क्या होती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।